नागर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सोच संस्था के बैनर तले केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए 3 लाख का फंड इकट्ठा किया गया है, जिसमें एएमयू छात्र संघ व एएमयू इंतजामिया के साथ साथ पूर्व छात्रों ने भी योगदान दिया। बरेली में जन्माष्टमी की शोभा यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी ने पुलिस प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। हरदोई में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करके राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बीती 23 अगस्त को आशा स्थापना दिवस के मौके पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। लखनऊ में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने यूपी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि स्नातक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में सेमेस्टर प्रणाली एक आत्मघाती कदम है। ग्रेटर नोएडा में बीटा सेक्टर में स्थित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पुरानी बिल्डिंग में बनाया गया है, जिसमें बिल्डर और बायर्स की शिकायतें सुनी जाएंगी। ये दफ्तर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिल्डर और बायर्स के लिए बनाया गया। हाथरस में बेखौफ बदमाशों ने NH 93 पर लूट के बाद फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा में बारिश का कहर लगातार जारी है। शहर कोतवाली के भगीपुर में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 7 लोग दब गए, जिसमें 1 7 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। बलिया में स्कूटी सवार 3 लड़कियों की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 3 घायल हो गई हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। कन्नौज में पुलिस ने मुठभेड़ में असलाहों की तस्करी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से आधुनिक पिस्टल, बाइक और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बुलंदशहर में जलभराव की समस्या से वायरल ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। शहर में वायरल से अब तक कई लोगों की मौत। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को पकड़ा है। उनके पास से मोटरसाइकिलें, तमंचे और कारतूस बरामद हुए। कौशाम्बी में सांसद विनोद सोनकर ने बिजली विभाग की वर्कशॉप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसडीओ वर्कशॉप को धमकी दी। दरअसल किसानों को ट्रांसफार्मर देने में बिजली विभाग कर्मचारियों की मनमानी की शिकायत मिली थी। सुल्तानपुर में 25,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बदमाश से अवैध असलाह और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कन्नौज में जमाली गांव में युवक ने पत्नी के मायके से ना आने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी नाराज होकर मायके चली गई थी। ललितपुर में बारिश का कहर लगातार जारी है। तेज बारिश के चलते नदी के पुलों पर पानी भर गया है। बावजूद इसके बस ड्राइवर पुल से भारी वाहन निकालने से बाज नहीं आ रहे हैं। आजमगढ़ में खेत की रखवाली कर रही 7 साल की मासूम के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी के बाद परिजनों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया था, साथ ही मासूम को जिला अस्पताल भेजा। बुलंदशहर में पति ने अपनी पत्नी के आशिक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक के शरीर पर चाकू के कई निशान मिले हैं। घर बुलाकर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। गाजीपुर में जखनिया ब्लॉक बीडीओ के खिलाफ ग्राम प्रधान संघ और ब्लॉक प्रमुख संघ ने मोर्चा खोला है। दरअसल ग्राम प्रधान संघ और ब्लॉक प्रमुख संघ के लोग ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ लिखाए गए मुकदमे को हटाने का दबाव बना रहे हैं। मुरादाबाद में पुलिस को युवकों ने अपने दोस्त के ऊपर अपहरण की सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों युवक की तलाश की, लेकिन युवक नहीं मिला। जांच करने पर रिपोर्ट झूठी पाई गई। बिजनौर में रामगंगा नदी को पार करते समय तेज बहाव में 4 युवक बह गए, जिसके बाद एक युवक का शव गंगा से बरामद किया गया है, जबकि पीएससी की टीम बाकी युवकों की तलाश कर रही है। शामली में एसडीएम केपी तोमर ने रिश्वतखोर 2 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया। इस खबर को भारत समाचार ने प्रमुखता से दिखाया था। बिजनौर में लोगों को शौचालय की सुविधा नहीं मिली है। आज भी लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। नाराज लोगों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ पंचायत करके अपने बच्चों को स्कूल न भेजने का फैसला किया। सुल्तानपुर में बीती रात मोबाइल की 3 दुकानों में नाबालिग चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान से करीब 40,000 रुपए तक का और कई मोबाइल एसेसरी समेत सीसीटीवी कैमरा उठाने गए। उन्नाव पहुंची पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने SC ST एक्ट पर बोलते हुए कहा कि हम सब यही चाह रहे थे कि इसका जो मूल रूप था वो बरकरार कर दिया जाए। बरेली में घरेलू कलह की वजह से तालाब में कूदकर युवती ने आत्महत्या कर ली। गांव वाले तालाब से शव को बाहर निकाल रहे थे। लखनऊ में भी बारिश अपने चरम पर है। हर तरफ जलभराव से लेकर जाम की समस्या बरकरार है। कैंट इलाके में पेड़ गिरने से आवागमन ठप। यूपी समेत पूरे देश में बारिश का कहर लगातार जारी है। फतेहपुर में भी बारिश के चलते जलभराव की समस्या खड़ी हो गई। आसमान से बरस रही आफत ने लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया है। लखनऊ में सरोजनी नगर पुलिस ने 4.5 लाख रुपए की बैटरी चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके पास से करीब 30 बड़ी बैटरी बरामद की है। कन्नौज में खंभे से करंट लगने से एक नाबालिग की मौत हो गई। हादसे के बाद से ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अमेठी में बारिश के चलते जर्जर मकान गिर गया। मलबे में दबकर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह मामला जगदीशपुर थाना के खौपर गांव का है।
मेरठ में राजकीय बालगृह में बच्चे के यौन शोषण का मामला प्रशासन पुलिस ने मिलकर मुकदमे में खेल कर दिया है। पीड़ित के 14 साल के साथी को केस का वादी बनाया। कन्नौज में छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटकता हुआ मिला। परिजनों ने बताया कि छात्र कुछ दिनों से परेशान था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इलाहाबाद में रिटायर्ड दरोगा की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हिस्ट्री शीटर बेटों के साथ लाठी डंडे बरसाते गए। दिल्ली में बदमाशों ने मेरठ से जिला पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी है। बाइक सवार दो बदमाश हत्या करके फरार हो गए। यह घटना दिल्ली के जामिया के बटला हाउस की है।